नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपराजिता की प्लांट में इस समय दो समस्याएं आ रही हैं, एक तो फ्लावरिंग ना होना, फूलों का साइज छोटा होना या फूल कम आना, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है वाइट फ्लाई, छोटे छोटे सफ़ेद उड़ने वाले कीड़े, जिससे पूरा पौधा खराब हो जाता है, पत्तियाँ सफ़ेद पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सूख कर गिरने लगती हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं दो समस्याओं का समाधान बताने वाली हूं, और इसके लिए मैं जिन चीज़ों का प्रयोग करूंगी वो आपको घर में ही मिल जाएंगी। मेरे पास अपराजिता की 3-4 प्लांट हैं, ब्लू और ये वाइट कलर का भी है, और सभी में अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन एक प्लांट जो है उसमें वाइट फ्लाई की समस्या आ गई है, जिससे फूलों का साइज छोटा हो गया है और फूल कम आ रहे हैं। तो यही वो प्लांट है जिसका मैं आज ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। मौसम इस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कभी तेज़ धूप तो कभी बादल, तो इस प्लांट को मैं अंदर छायादार जगह में लेके चलती हूँ, क्योंकि धूप में ये सारे काम नहीं करना है हमें। जैसे ही इसकी ब्रांचेस बेल की तरह लंबी होने लगती है तो मैं ऊपर से इनको कट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बेल की जगह पेड़ जैसा बन गया है। ये काफ़ी घना भी हो गया है, और इसकी स्टेम देखिए आप कितनी मोटी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इसे ले चलती हूँ मैं अंदर छायादार जगह में। खिले हुए फूल तो मैंने पहले ही तोड़ लिए थे, और अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी इनकी सूखी हुई पत्तियाँ या सूखी हुई ब्रांचेस हैं इनको कट करके निकाल देंगे। इस तरह से जो भी सफ़ेद इन्फेक्टेड पत्तियाँ हैं उन सबको निकाल दें, क्योंकि जो पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं वो तो ठीक नहीं होंगी, इन सबको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। और कुछ फूल जो सूखे हुए हैं उनको भी निकाल देंगे, क्योंकि ये सूखे हुए फूल कुछ ही दिनों बाद सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और जो बेवजह हमारे प्लांट का पोषण खींचते रहते हैं। ये देखिए, अगर इसमें जो भी फूल छूट जाते हैं तो इस तरह से ये फली बन जाती हैं, और इस फली के अंदर ही इसके सीड्स होते हैं। ये देखिए, अगर आप इसके नए प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो कुछ फलियों को आप सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। अब हमारा अगला काम होगा गमले की अच्छे से साफ़ सफाई करके गुड़ाई कर लेंगे। अगर कोई खरपतवार या जंगली प्लांट निकल आए हैं तो उनको आप अलग कर दें। वैसे मानसून सीजन में ये प्लांट आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने पिछले साल बारिश में ही ये कटिंग लगाई थी, और ये देखिए साइड से कितनी लंबी हो गई है। अब इसकी भी कटिंग कर दूंगी मैं। अब आप इसमें ये जो खाद देंगे तो आप 10-12 दिन में ही देखेंगे इसमें बहुत अच्छे फूल आने लगेंगे। ये खाद मैं 8 इंच के दो प्लांट के लिए तैयार कर रही हूँ। ये 3-4 मुट्ठी मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, और ये है यूज करने के बाद धुल के सुखाई हुई चाय की पत्ती 3-4 चम्मच, और ये है सरसों की खली, मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक मैं हमेशा चक्की से ही लेती हूँ, इसे हम गर्मियों में सुखा के रख लेते हैं, और कुछ मैंने बारीक पीस के भी रख लिए। तो 2 बड़ी भर के चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मस्टर्ड केक पाउडर। सरसों की खली आप भिंगो के भी डाल सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है कि आपको भिंगो के कैसे डालना है, लेकिन मानसून सीजन में पाउडर फॉर्म में ज़्यादा सेफ रहेगा। और ये एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, ये मैंने फंगस और इंसेक्ट से बचाव के लिए डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमें इसे गमले में ऐसा ही नहीं छोड़ना है, गमले में डालने के बाद इसे अच्छे से मिट्टी में भी मिक्स करना है। ये डालने के बाद एक चीज़ हमें और डालना है अभी, तो ये मैंने आधा डाल दिया है और आधा दूसरे प्लांट के लिए रखा है। इसके बाद ये जो चीज़ है ये आपको केवल 5-10 ml डालना है। ये मैंने केले के छिलकों से बायो एंजाइम बना के रखा था, इसकी जगह आप सूखे हुए केले के छिलकों का 2 चम्मच पाउडर डाल सकते हैं, या फिर केले के छिलकों को पानी में उबालने के बाद वो पानी आप डाल सकते हैं। गर्मियों में तो आप केले के छिलकों को सीधा मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन मानसून सीजन में केले के ताजे छिलके फंगस क्रिएट कर सकते हैं। तो 8 इंच के पॉट के लिए एक केले का छिलका 0.5 लीटर पानी में उबालकर वो पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब देखिए, सफ़ेद कीड़ों को भगाने के लिए हमें क्या करना है। स्प्रे बोतल में 0.5 लीटर पानी मैंने लिया है, और ये है बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं, इसे हमें केवल 1/4 चम्मच 2 चुटकी के बराबर लेना है बस। अब 2 चीज़ें इसमें और मिलाएंगे, नीम का तेल, ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। नीम का तेल हम इसमें डालेंगे 3-4 ml, और इसके साथ ही हमें एक चीज़ और मिलाना है अभी,
यह है डिशवाश। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इससे पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। अच्छे से सेक कर लेंगे सभी चीज़ों को। अब इन चीज़ों को प्रयोग करने में आपको एक सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया है, तो इसे पौधों की मिट्टी में नहीं डालना है, बस केवल पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। इस तरह से सारी पत्तियों पर हल्की सी फुहार के साथ इसे डालना है। अब इसके एक दो दिन बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, तब फिर से आप इसकी गुड़ाई करके आधा चम्मच साफ फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में मिलाकर वो पानी आप इसमें डालिएगा। कीड़े भगाने के लिए आप 2-3 दिन बाद इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको धूप में बिल्कुल नहीं करना है। 10-12 दिन में ही आप देखेंगे प्लांट के सारे कीड़े खत्म हो गए हैं और नई नई कलियां भी आने लगेंगी। नवंबर के बाद इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है, तो दिसंबर से फरवरी तक इसमें फूल नहीं आएंगे। ये देखिए कुछ बीज इसमें गिर गए थे, तो इसके नए प्लांट बन गए हैं। इस समय आप बीज से नए प्लांट बना सकते हैं। इसके बाद अगले सीजन की फ्लावरिंग के लिए मार्च में आपको फिर से कुछ काम करने होंगे, उसके लिए अपडेट वीडियो मेरा आपको मिल जाएगा। थैंक यू।